और सुनने में आया कि यहाँ पर मूवी वगैरह की शूटिंग वगैरह यहाँ अधिकतर फिल्मों की शूटिंग होती रहती है, जैसे यतीम फिल्म की, परदेश फिल्म की। ऑडियंस को बहुत अच्छा लगेगा, उम्मीद करते हैं ये सारी वीडियो पूरी देखें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। 20 रुपए की 50 ग्राम और मैं कह रहा हूँ ऐसा स्वाद अभी तक मैंने नहीं खाया भाई। ये है उस टाइम का कूलर, इसमें जैसे हवा दे रहे या मुंह दे रहे भाई, हवा आ रही है यहाँ पर भाई। बढ़िया लगा यार, फर्स्ट टाइम आया तो एक्सपीरियंस गजब है। अभी है, अभी कहानी तो बहुत बचेगी, कहानी की शुरुआत तो यहाँ से हो रही है। अरे वाह, ये क्या भाई जी? अस्वल, ये थोड़ा नेक्स्ट लेवल की वीडियो होती जा रही है भाई। मुझे भी नहीं पता था कि मैं स्किप कर जाता मैं आगरा। ये है आगरा का ईदगाह बस स्टैंड, पहले बस पता कर लेते, उसके बाद आज का जो प्लान है वो बताऊंगा भाई क्या है। बाकी ये बस स्टैंड की हालात है, देखो सारा सिस्टम सही है, रोडवेज भी खड़ी है, ये भरतपुर राजस्थान की और इधर में यूपी की। तो दोस्तों नई दिन की शुरुआत करते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय भोले, जय शंकर। और हम आ चुके हैं अभी फतेहपुर सीकरी का जो बस स्टैंड है वहाँ पर, और आज का प्लान है कि आगरा को एक्सप्लोर किया जाए। बाकी ज़्यादा चीज़ें नहीं घूम पाएंगे, जो भी चीज़ घूम पाएंगे उसको आप लोगों को दिखाएंगे, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस हो रहा है। हमारे साथ कुशवाहा जी है जहाँ पर मैं स्टे किया था आगरा में, तो आज भाई हमें गाइड करने वाले हैं और चलिए देखते भाई क्या चीज़ें हम एक्सप्लोर करेंगे आज। वाह, ये है देखो बस स्टैंड फतेहपुर सीकरी का। जितनी भी बसें अभी आ खड़ी है सब इलेक्ट्रिक बस है, एसी चल रहा था, मज़ा आ रहा है। ये रहा सीकरी वाला बस स्टैंड। प्रेमपाल जी और चंद्रभान जी, सर क्या आज का रहने वाला है? संदीप जी, आज हम आपको फतेहपुर सीकरी दिखाने के लिए लेके आए हैं, जिसमें कि आप यहाँ सूफी संत सलीम चिश्ती की दरगाह है और यह इस देश का एक बहुत ही ऐतिहासिक धरोहर, अकबर की इसको राजधानी भी थी है किसी समय तो, और आगरा और ये दोनों ही राजधानी रह चुकी है। और यहाँ पर हम आपको जो है जो जोधाबाई का महल और जो अनूप तालाब, जो तानसेन जिस पर संगीत की प्रस्तुति दिया करते थे, का पंचमहल, अब काफ़ी कुछ आपको यहाँ दिखलाएंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको काफ़ी पसंद आएगा। अरे वाह, और सुनने में आया कि यहाँ पर मूवी वगैरह की शूटिंग वगैरह? यहाँ अधिकतर फिल्मों की शूटिंग होती रहती है, जैसे यतीम फिल्म की, परदेश फिल्म की। अच्छा, 90s की जो मूवीज वगैरह? नहीं, अभी भी होती रहती है, काफी फिल्मों की शूटिंग होती रहती है। वाह, तो आपको तो यहाँ की पूरी नॉलेज होगी। जितना नॉलेज है वो सारी चीज आज आपकी वीडियो के माध्यम से आपको कवर कराएंगे, आपके ऑडियंस को बहुत अच्छा लगेगा। उम्मीद करते हैं ये सारी वीडियो पूरी देखें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। चलिए भाई, आप डिटेल देते रहे ना। ये सामने है अकबर का किला जो फतेहपुर सीकरी का बस स्टैंड है, बस पार करते आपको दिख जाएगा। और भाई क्या चमक रहा है यार, एक तो मौसम आज इतना कड़क हो रखा, धूप इतनी चमक रही है ना, ये जो किले के ऊपर टाइलें लगी है लाल कलर की, वाह। और इसको देखने के लिए स्कूल के बच्चे आ रखे हैं। बाकी ये गेट के बाहर का नज़ारा जहाँ पर ये ठेले वगैरह लगे हैं, चाट आइसक्रीम, वाह। और ये सामने एंट्री पॉइंट, बाकी यहाँ पर गाइड भी आपको मिल जाएगा जो 20 रुपये 50 रुपये आपको पूरा एक किला को एक्सप्लोर करके बताएगा अच्छे से, तो गूगल भी नहीं बताएगा, यहाँ का लोकल ही बताएगा। भाई यार क्या किला है भाई, गजब है यार। जैसे जामा मस्जिद है और मतलब है दिल्ली में भी बहुत सारे, लेकिन जिस जगह पर जो चीज़ होती है ना उसका देखने का एक अलग ही मज़ा रहता है। वाह यार, मेरी तो नज़र ही ना हट रही। मैंने अभी ध्यान दिया कि ये जो नीचे टाइल भी छुई ना, इन पे कुछ लिखा हुआ, देखो ये है इधर और देखो ये रहा इधर, मतलब बहुत सारी जगह पर कुछ ना कुछ लिखा है, पर किस भाषा में लिखा है ये समझ में आ रहा। देखो जैसे ये रहा, ये भाई पुराने टाइम की कोई भाषा रही होगी जो इन टाइलों पे गोद रखी है। देखो और पूरे जो ये किले का डिज़ाइन बनाकर पुराने ज़माने के लोगों ने, भाई वाह, एक से बढ़कर एक कलाकारी इस किले में देखने को मिल रही है। पहली बात तो ये जो इतनी इसकी जो लेंथ है,
चौड़ाई है भाई, कैसे पत्थर लेके आए, किस जमाने का रहा होगा। देखो उर्दू में भी कुछ लिखा ऊपर, और ये जो कलाकारी जैसे स्टार बना रखे है ये, वाह। और इस किले में हमें एक अंकल जी मिले, ओम प्रकाश जी नाम है, और ये आइसक्रीम दे रहे भाई जो कि 20 रुपए की 50 ग्राम, और मैं कह रहा हूँ ऐसा स्वाद अभी तक मैंने नहीं खाया भाई। जो मैंने रेडी से खाई आइसक्रीम वो 10 रुपए की 20 रुपए की, एकदम प्योर शुद्ध माल देसी। अंकल जी बात किया तो बताया कि 42 साल से इसी काम में, और इस आइसक्रीम को बनाने में इनको 6 घंटे लगते हैं। अब देखो कोई बर्फ वगैरह कुछ नहीं साइड में, बस कपड़ा लपेट रखा और एकदम टाइट। हाँ काटने का तरीका भाई बहुत गजब है, वाह। और ये हम खा रहे हैं फतेहपुर सीकरी में जो अकबर का किला है उसमें बैठ के। खेल ले भाई बच्चे यार बैठ के। और सामने दीवार में जो होल देख रहे हो ये है उस टाइम का कूलर, इसमें जैसे हवा दे रहे या मुंह दे रहे भाई हवा आ रही है। वैसे उस टाइम में लाइट वगैरह थी तो नहीं, ना कूलर होते थे, बस यही था अपना देसी जुगाड़। वाह ऐसे बहुत सारी है कि ये है, और आगे भी है, उधर में आगे भी है। ये जो कब्रें आप देख रहे हो ये अकबर के जो भी रिलेटिव हुआ करते थे जिनकी डेथ हो जाए तो उनको इसी किले में दफना दिया जाता था। बाकी ये जो एरिया है और वो उत्तर में 2-3 एरिया और है जहाँ पर कब्रें ही कब्रें हैं, जैसे यहाँ पर देखो कितनी सारी है, और हर कब्र पे उनका नाम लिखा होगा, बस वो थोड़ा उर्दू में है तो समझ नहीं पाएंगे। और वो जो वाइट वाली है वो शायद कोई बड़े रहे होंगे उस्ताद टाइप, तो उनकी है। देखिए हम इस समय फतेहपुर सीकरी के जो दरगाह परिसर है वहाँ पर हैं। जो मेरे पीछे ये दरगाह देख रहे हैं शेख सलीम चिश्ती की, तो ये जो दरगाह है जो अकबर के जो पिताजी थे बादशाह जहांगीर उनके द्वारा ये बनवाई गई दरगाह थी, क्योंकि उनको कोई औलाद नहीं थी मतलब, तो उन्होंने जो उन्होंने मन्नत मांगी थी चिश्ती जो सलीम चिश्ती जो सूफी संत हैं उन्होंने उनको इसके बारे में वरदान दिया था। तो जब उनको ये अकबर पैदा हुए तो उन्होंने उनके लिए ये, जब उनका देहांत हो गया तो उसके बाद उनकी ये दरगाह यहाँ बनवाई गई है फतेहपुर सीकरी में। तो ये एक बहुत ही ऐतिहासिक इमारत भी है और भव्य, आज भी यहाँ काफ़ी, और ये मुग़ल काल की इमारतें हैं जो आप देख रहे हैं सारी, ये मुग़ल शासक के द्वारा ही बनाई गई इमारतें हैं। आपको दिखाते हैं यहाँ पे, क्योंकि यतीम मूवी में सनी देओल जी और अपनी दीवी को लेकर यहाँ पे आते हैं चर्चा चलाने के लिए, मैं जाता हूँ कि ये जो मेन गेट है इसके जरिए से वो आते हैं और यहाँ पे चर्चा चलाने के लिए आते हैं दोस्तों। और इस जगह पे यतीम मूवी शूट हुई थी, और उसके बाद जो सनी देओल का जो घोड़ा है उसको जो दफनाया था उस जगह पे भी आपको लेके चलेंगे उसी वीडियो के माध्यम से, तो वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अब उस जगह को भी देख के आते जहाँ पर उस मूवी का जो घोड़ा था उसको भी दफनाया गया, और यहाँ पर भाई बढ़िया लगा यार, फर्स्ट टाइम आए तो एक्सपीरियंस गजब है कि सुनने में आया कि यहाँ पे मूवी वगैरह भी शूट हुई थी, और उससे पहले जो अकबर का ज़माना था कि कलाकारी बहुत ही उम्दा कह सकता हूँ मैं इसको, कि चारों तरफ से। और उधर में जो कबूतर आते थे चिट्ठी लेके तो उनके वो छोटे छोटे घर बनाए, लेकिन अभी वो बंद कर दिया कुछ, और ये अलग ही दिख रहा है एकदम, ये सफ़ेद संगमरमर पत्थर से बना हुआ जो मेन जगह थी वहाँ अब आए। मुझे लगा था कि जो किला हम देख रहे थे वो मेन है, पर वो दरगाह के लिए था, और जो जोधाबाई का महल है जहांगीरपुरी का महल है तो वो अब दिखाएंगे आप लोगों को, क्योंकि मुझे लगा यार वही मेन है, पर नहीं यार अभी है, अभी कहानी तो बहुत बचे, कहानी की शुरुआत तो यहाँ से हो रही है। अरे वाह ये क्या भाई जी, ये घोड़ा है, अश्वल ये मैं पहली बार देख रहा हूँ भाई, कि जो पुराने टाइम में जो घोड़ों के लिए जगह होती थी अस्तबल बोला जाता जिसको, वो ये है। देखिए यहाँ पर ये जैसे हम अपन तो क्या करते हैं गाय भैंस को खुट्टे से बांधते हैं, और ये होते देखो घोड़े की नाल जो वो रस्सी बंधी होती थी ना, इसमें डालो निकालो गाड़ मारो, और यहाँ रहते थे घोड़े इस पूरे एरिया में, देखो सामने एकदम सीध में घोड़े और हाथी, वाह हाथी है, और ये एरिया उनके मतलब घूमो फिरो टहलो यार, क्या गजब की जगह है यार, ये सिर्फ घोड़े और हाथियों के लिए जगह थी। और अब के टाइम में देखो लोगों के पास जो जगह है क्या बना के रखते हैं, और ये देखो उस टाइम घोड़े हाथियों के लिए क्या जगह रहती थी,
वाह वो सामने वो एक और है, सामने बीरबल का महल है ये सामने बीरबल जो उनके वो मुनीम हुआ करते थे, जो सबसे चतुर होते थे उनको बीरबल सलाहकार नाम आता बीरबल का, कहते ना कि सबसे चतुर कौन हुआ बीरबल, बीरबल की खिचड़ी। वाह ये थोड़ा नेक्स्ट लेवल की वीडियो होती जा रही है भाई, मुझे भी नहीं पता था कि मैं तो मैं स्किप कर जाता, मैं अगर आज मैं छोड़ देता, पर सर जी ने बोला कि भाई नहीं अगर रुक रहे तो फतेहपुर सीकरी जरूर चलो, और यहाँ आने का जो दिमाग में कन्फ्यूजन चली जाए ना वो अब दूर होगी कि हाँ डब लग रहा कि हाँ भाई बहुत बढ़िया जगह पर आए हैं। कुछ चीज़ें तो है जो इतिहास पढ़ा था और अब जाके हम उनको देख रहे हैं और इमेजिन कर रहे कि यार कैसे हुआ करते थे, मैं इसी जगह को इमेजिन कर रहा हूँ घोड़े और हाथी वाली जगह को। आप लोगों ने कभी इमेजिन किया कि अकबर के ज़माने में किस तरह से लोग फ्रेश हुआ करते थे, एक नंबर दो नंबर कैसे जाया करते, तो मुझे भी नहीं पता था। तो आज इस जगह पर अगर मुझे लगा कि यार ये चीज़ कुछ नई देखने को मिल रही है, वैसे अभी तो क्या है कि चार दीवारी के अंदर वॉशरूम बन गया, लेकिन उस टाइम कुछ इस तरीके से लोग फ्रेश हुआ करते, जो बीरबल का स्टाफ हुआ करता था। ये देखो इधर में कि होल टाइप का, अभी तो इसमें कूड़ा कचरा, लेकिन यहाँ पर पहले दीवार हुआ कर दी ना, पता नहीं भाई क्या था, लेकिन यहाँ पर बैठने का पूरा इंतज़ाम दे रखा। देखो ये इधर में बैठते हैं, इधर 1 2 3 4 5 6 जगह पर, मतलब 6 बंदे एक टाइम में बैठ सकते थे और 3 यहाँ पर। तो अभी हमें बीरबल जी का जो महल है उसके ये जो कॉरिडोर ये बाउंड्री एरिया है, इस एरिए में इस कोने में ये बने हुए देखो वॉशरूम, अकबर के ज़माने के वॉशरूम। वाह ये है गाइस, इस जगह के जितनी भी वीडियो बनाए उतनी कम है, क्योंकि जो जो चीज़ें मेरे को पता लग रही है कि भाई महल के बारे में प्रेज होने के बारे में, और एक चीज़ और पता चली कि उस टाइम को जो पोस्ट ऑफिस हुआ करता था मुगलों के ज़माने का, उसको थोड़ा मॉडिफाई किया, बाकी कुछ चीज़ें हैं जो अभी ऐसी की ऐसी है, जैसे कोई डाकिया नहीं हुआ करता, कोई फ़ोन नहीं, कुछ नहीं, बस सारा काम होता चिट्ठी, जो चिट्ठी खोल लेके जाते उस टाइम। आप सभी को पता होगा जो कबूतर अभी भी बैठा है, और भैया की करता, और अब तो फ़ोन आ गया। बाकी ये था इनका पिजन हाउस, जहाँ से कबूतर को चिट्ठी देते थे, और जो लेके आता था वो यहीं आता था, और अंदर आले टाइप के बने हुए हैं छोटे छोटे, अभी तो दरवाज़ा है वो देखो सामने, ये जो आले दिख रहे हो ना, इसे शायद नीमे रखी जाती होगी चिट्ठी पढ़ पढ़ के, या जो भी है इनके पत्थर वो हुआ करते वो सामने ही रखे। लेकिन ये है मुगलों के ज़माने का पोस्ट ऑफिस, और इस तालाब के बीचों बीच ये जो चबूतरा बना हुआ है, तानसेन जी यहाँ पर बैठकर राग गाया करते थे अकबर के ज़माने में। और तानसेन जी का जब नाम सुनते हैं अपन कि उनके राग में इतनी ताकत होती, क्योंकि जब वो मन से गा देते थे ना तो जो दिए होते थे वो भी जल उठते थे। तो ये जगह है जहाँ पर तानसेन जी बैठ के राग गाते थे, और जो सभा बैठती थी वो पूरे इस एरिए में अकबर वगैरह जो सब बैठते थे, उनके सिपाही शासक वगैरह सब इस एरिए में बैठते थे देखो उनको सुनने के लिए। क्या जगह है यार, वाह। और वो जो सबसे बड़ी इमारत है वो क्या नाम है जी का, पंचमहल वो पंचमहल अभी तो उसका एंट्री बंद कर रखी है, सबसे बड़ी वही है। क्या इतिहास है यार, चलो अब आप आगे लेके चलते, अभी तो कहानी चल रही है भाई। ये सामने जो आप दो मंजिला देख रहे हो, ये एक्चुअल में एक पजल ही है, और इस ये जो महल टाइप है इसका नाम है इबादत खाना या फिर न्याय का सतम। और एक्चुअल में मुझे भी लगा मैं पजल हो गया बाहर से आ रही तो दो मंजिला है, लेकिन यहाँ के पता चला कि ये सिर्फ एक ही मंजिल है, और वो जो आप खिड़की देख रहे हो बाहर से तो वो एक्चुअल में खिड़कियाँ ही है क्या बोल रहा हूँ, तो कहने का मतलब है कि ये सिर्फ एक ही मंजिला है, और ये खिड़कियों की वजह से लग रहा कि बाहर से दो मंजिला। और ये देखो क्या कलाकारी बना रखी है यार, ये पिलर और सेंटर में एकदम ये जो डिज़ाइन बना रखा है, ये छोटे छोटे क्या बोलते हैं इनको, छोटे छोटे स्तंभों से, देखो भाई क्या डिज़ाइन है यार, वाह हर कोने में ही भाई है, वाओ वाओ वाओ, बस करते रहो यार क्या है। और इस पिलर पे देखो क्या डिज़ाइन बना रखे हैं। देखिए मुगलों के टाइम में ये ट्रेजडी थी खजाना, तो उस समय खजाना यहाँ रखा जाता था। ये देखिए किस तरह से ये बैंक में लॉकर बने हुए हैं पत्थरों के,
जो कि आज लोहे के बने होते हैं मेनकों में, जिसमें कोई जा नहीं सकता है। और उस समय यहाँ इस ट्रेजडी में आपको कोई दरवाज़ा भी नहीं मिलेगा, जो कि आज मेनकों में तो आप देखते हो कि परंदा पर भी नहीं मार सकता है। तो आप दिखा सकते हो, देखिए यहाँ आपको दरवाज़ा नज़र नहीं आएगा कोई। कमाल की बात है कि जो उस टाइम सिक्के वगैरह रखते थे, ये दीवारों में उन्होंने कुछ बना रखा है, ये लॉकर टाइप का, मतलब खुला है लॉकर ही। देखो पहरा तो तगड़ा रहा होगा, क्योंकि खुला एरिया है और चोरी डकैती ना हो, तो पहरा तो तगड़ा रहा होगा उस टाइम। देखो पूरा एकदम खुला एरिया, वाह। और ये है दीवाने खास, यहाँ पर अकबर का दरबार लगता था। अकबर सेंटर वाले पॉइंट पर बैठते थे और बाकी जनता इस वाले एरिया में बैठती थी चारों तरफ। और यहाँ पर जिसने अपराध किया उसको सज़ा सुनाई जाती थी। अगर उसको मौत की सज़ा मिली है तो इस वाले एरिए में, ये जो होल देख रहे हो, यहाँ पर हाथी बनता था इसमें, और उस बंदे को हाथी से कुचलवा जाता। तो जितने भी लोगों ने अपराध किए होते हैं तो ये सारा वो कहते हैं ना कि उनके लिए तो यहाँ पर मौत की सज़ा ही सुनाई गई है यार। कुचलवाया गया हाथी से, यहाँ पर हाथी बांधते थे इस रिंग में पत्थर वाला। तो ये है अकबर का दरबार। वैसे बाहर से जोधाबाई का जो महल देखने को लगता है कि यार छोटा है, लेकिन जब आप एंट्री करते हो और अंदर आके देखते हो तो आपको लगता है कि यार वाह, वाकई में बहुत ही बड़ा महल है। अभी जैसे जोधाबाई तो ऊपर रहती थी और नीचे उनकी जो दासियां वगैरह थी वो सब नीचे रहती थी। और ये देखो एक ये है और इसी के सामने बिल्कुल सेम और उधर में वो एंट्री है। तो एंट्री आने के बाद और सेंटर पॉइंट में यहाँ पर तुलसी माता जी का पौधा था, तो अभी तो वो नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई पानी देने वाला नहीं है यार। तो अब पता नहीं उसको हटा दिया या यही था, क्या है क्या नहीं है। अब तो देखो सूखा हुआ इसमें ये है, और एकदम सेंटर में था और सामने एकदम एंट्री के बिल्कुल सामने यहाँ पर मंदिर हुआ था। मंदिर तो अभी भी है लेकिन अब इसमें कोई मूर्ति नहीं है और पिल्लों पर घंटी वगैरह सब बनी हुई है। तो ये जोधाबाई का जिसमें पूजा करती थी मंदिर, देखो पहले पिल्लों पे देखो घंटी बनी हुई है ये, और सामने मूर्ति हुआ करती थी पर अब नहीं है यार। बाकी उनका महल तो बहुत बड़ा है, जैसे रुकैया बेगम का तो एक कमरा था, लेकिन उनका महल देखो कमरे ही कमरे, होल ही होल, उधर उधर कोने में पूरा एकदम चारों तरफ से महल ही महल। तो आ गया ना मज़ा, जितना मज़ा आप लोगों को आया देख उतना ही मेरे को आया। मेरे को तो कुछ ज़्यादा है कि मैं इसको लाइव एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। और कुशवाहा जी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें यहाँ पर रुकने का मौका मिला और हमको सर लेके आए कि चलो भाई आपको फतेहपुर सीकरी घुमाते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि देखनी चाहिए, तो हम आए देखे और मज़ा आ गया। तो सर जी थैंक यू। और इस जगह पर बहुत सारी मूवी की शूटिंग हो भी चुकी है और हो भी, मतलब आगे चल के बहुत सारी मतलब होती रहती है, क्योंकि ये लोकेशन ही ऐसी है भाई। जाओ गाने की शूटिंग हो या कोई सीन हो या मूवी जो स्टार्ट होती है उस टाइप का, तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर जो आप लोगों को देख लीजिए। अगर किसी को मन नहीं है तो वीडियो देख लेना और उसको शेयर जरूर कर देना भाई। ओके अभी देखते क्या रहेगा, अभी जा रहे थोड़ा बैठेंगे कहीं आराम करेंगे, फिर देखेंगे क्या करना और आगे आगरे का बैठा। वाह भाई वाह। और दरगाह तो मतलब पहले तो ये महल थे जितने भी अपन अभी देख के आए, और जो सबसे पहले हमने दिखाया था वो थी दरगाह उसकी चिश्ती जी की, सलीम चिश्ती जी की। वाह, पुराने ज़माने के नाम भी बहुत अजीब होते थे।